जय हिंद दोस्तों, आप लोगों के लिए ईबस का एक एक्सक्लूसिव रिव्यू देना काफ़ी समय से बाकी था, आज मैं आपको वही देने वाला हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट ईबस ईवी से, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ईबस का फ्रंट लुक। सबसे पहले मैं आपको बात कर दूंगा, यहाँ पे आपको ईबस की बैचिंग मिल जाती है जो कि है प्लेन इसके अंदर, लेकिन वाइट कलर के अंदर बहुत अच्छी दिखती है। ये हमारा विंडशील्ड, ये जो है इसके अंदर स्पेशल कर्व दिया गया है, ना ही इसके अंदर कोई भी बीच में सेक्शंस पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आपको एक काफ़ी सीमलेस और काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है। साथ साथ में आपको मिल जाता है आपका रेन वाइपर। स्पेशल फीचर आपके पास है हेडलाइट्स जो कि है ग्लास की बनी हुई, मतलब कि ये पीली नहीं पड़ेंगी। साथ साथ में आपके पास है आपके टर्न इंडिकेटर्स, और इसके नीचे यहाँ पर आपके पास आ जाते हैं फॉग लैंप्स। साथ साथ में आपको यहाँ पर उस आपका मडगार्ड मिल जाता है। सबसे पहले आप इसके फ्रंट लुक को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो लुक है ये एक नॉर्मल रिक्शा से मिलता जुलता है। इसके पास एक काफ़ी अच्छा कर्व है, और ये वो वाले रिक्शाज के जैसा नहीं है जिसके अंदर टायर अलग से बाहर से दिखते हैं या फिर यहाँ से कुछ खुला हो। साथ साथ ही जो टायर्स है ये है MRF के, मतलब कि क्वालिटी भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। टायर्स के साथ साथ यहाँ पे भी आपको मिल जाता है ईबस का लोगो। अगर इसका साइड प्रोफाइल देखें तो आपको साइड प्रोफाइल काफ़ी अच्छा सा और स्लीक दिखाई देता है। यहाँ पे जो सीट है ये काफ़ी कंफर्टेबल है और काफ़ी स्पॉन्जी बनाई हुई है, और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप तीन लोगों को भी बिठा सकते हैं। साथ साथ में अगर आप यहाँ पे पीछे देखेंगे तो आपको पीछे भी दोनों तरफ सीटें मिलती है, जहाँ पे एक तरफ दो लोग तो आराम से बैठ सकते हैं, अगर आप चाहे तो यहाँ पे तीन लोगों को भी बिठा सकते हैं, तो यहाँ पे अगर आप चाहे तो मैक्सिमम छः लोगों को बिठा पाएंगे। साथ साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ईबस का ब्रांडिंग, और नीचे है यहाँ पे स्पेयर व्हील। ये है इसका पीछे का प्रोफाइल, यहाँ पर आपको मिल जाता है ट्रांसलूसेंट स्क्रीन, यहाँ पे आपको मिल जाता है ईबस का ब्रांडिंग। ये है हमारे मॉडल का नंबर 125P, इसका क्या मतलब है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। साथ साथ में आपके टेल लाइट्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपको मिल जाती है आपकी ग्रीन नंबर प्लेट की स्पेस। अब मैं इसके अंदर बैठ के आपको दिखाता हूँ। अगर मैं अंदर बैठता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले नीचे आती है आपकी ब्रेक, और यहाँ पे है आपके पास हैंड ब्रेक जो कि एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आपका है स्टेयरिंग, या फिर आप बोलना चाहेंगे हैंडल बार, और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर थोड़े से मिल जाते हैं फीचर्स। लेकिन उसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये वाले मॉडल की है कि यहाँ पर आपको जो बैटरी इंडिकेटर है वो आपको हैंडल के साथ साथ उसके ऊपर ही मिल जाता है, और यहाँ पर आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि आपका स्पीडोमीटर है वो भी मिल जाता है। यहाँ पर है आपके पास फॉरवर्ड और रिवर्स स्विच, जिससे आप एक स्विच के अंदर आगे या पीछे जा सकते हैं। इसके बाजू में आपको मिल जाता है एक USB चार्जर, अगर आप अपना फ़ोन चार्ज करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर आराम से कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको मिल जाती है पार्किंग लाइट्स, हेडलाइट्स और वाइपर्स के स्विचेस। काफ़ी सिंपल और सही लेआउट है हर चीज़ का यहाँ पर, और क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है हर जगह पर। यहाँ पर ऊपर आपको आपकी लाइट्स भी मिल जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे पीछे बैठ के, ये मैं हूँ पीछे, मेरी हाइट है 6 फीट, और यहाँ पर मेरा हेड अभी अभी यहाँ पर टच हुआ है, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास बहुत ज़्यादा स्पेस है, बहुत सारा लेग रूम है। इनफैक्ट मैं जितना आराम से चाहूँ मैं बैठ सकता हूँ, मेरे जैसे दो लोग यहाँ पर बहुत आराम से बैठ सकते हैं, थोड़े हड्डे गड्ढे दो लोग भी यहाँ पे बैठ सकते हैं, और मेरे जैसे अगर हम चाहें तो तीन लोगों को भी यहाँ पर बिठाया जा सकता है। साथ साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक सीट है, और इसके आगे यहाँ पे दूसरी सीट है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे 4, 5, 6 लोगों को बिठा पाएंगे। साथ साथ में अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये वायर क्या है, तो ये जो वायर है ये है आपका चार्जिंग सॉकेट। यहाँ पर अगर आपको चार्ज करना है रिक्शा को तो यहाँ पर आप चार्ज करेंगे, और इसके साथ साथ आपको बस 3 पिन का अडैप्टर मिलता है, आप कहीं पे भी लगा सकते हैं और इसको चार्ज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसके स्पेसिफिकेशंस। तो इसका नाम में 125P क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर जो मोटर है वो है 1.25 किलोवाट की। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की रेंज उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसकी रेंज है 100 से लेकर 120, मतलब कि 100 से 120 किलोमीटर आप पर चार्ज इसको आराम से चला पाएंगे। और इसी के साथ साथ अगर आप जानना चाहेंगे कि इसकी बैटरी कैसी है, तो इसके अंदर आती है लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी, मतलब कि LFP बैटरी। बेसिकली ये जो है ये लेड एसिड से बेटर होती है। अगर आपको लिथियम आयन बैटरीज के फ़ायदे जानने हैं तो आप हमारे वीडियोस के अंदर जाके ज़रूर से देख पाएंगे। फाइनली ये ईबस के इलेक्ट्रिक रिक्शा की प्राइस क्या है, वेल मैं आपको बताता हूँ इसकी ऑन रोड प्राइस 2,35,000 ऑन रोड गुजरात के अंदर अहमदाबाद में मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रिक रिक्शा, पूरा का पूरा मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक रिक्शा है ये।
अब आपके और मेरे बीच के अंदर की बात है, अगर आप ये वीडियो देखकर आते हैं तो आपको प्राइस के अंदर नेगोशिएशन ज़रूर से कर दिया जाएगा, आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। और इसी के साथ साथ ये रिक्शा के साथ आपको मिलती है गवर्नमेंट की सब्सिडीज़, और हमारे तरफ से लोन के अंदर भी आपको सब्सिडीज़ अवेलेबल हो जाएगी। तो मेरे जो भी भाई बहन है जो हमारी ईबस की इलेक्ट्रिक रिक्शा को टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हैं, या इसके बारे में और डिटेल्स से जानना चाहते हैं, या फिर रिक्शा को ख़रीदना चाहते हैं, ज़रूर से हमको कॉल कीजिए या फिर हमारे लोकेशन पे आ जाइए। हम आपको एक अच्छी डील देंगे और हम आपको एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट देंगे। थैंक यू गाइज़।